أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم گزشتا کل ये बात बताई गई थी कि अहले किताब सब बराबर नहीं, बाजे उनमें से सच्चे ईमान लाने वाले भी रहे हैं और दीन पर कायम रहे, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दिया, ये बड़े सालिहीन में से हैं। फिर बतलाया कि वो मुशरिकीन और अहले किताब जो ईमान के खिलाफ और ईमान को नुकसान पहुंचाने के लिए जो अपने अमवाल सवाब के तौर पर खर्च करते हैं उसका कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और दुनिया में अल्लाह ताला जो अच्छे काम रिफाही किए होंगे उसका कुछ न कुछ बदला दुनिया में शोहरत या माल की कसरत या औलाद की बरकत की शक्ल में दे देंगे। उनके माल के रायगान होने पर एक मिसाल पेश की थी, कल अर्ज किया था कि कुरान करीम में मिसालें बयान की गई हैं, अहादीस पाक में भी मिसालें बयान की गई हैं। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंज वक्ता नमाजी की नमाज से उसे क्या मिलेगा, फरमाया कि कोई आदमी दिन में 5 मरतबा नहर में गोता लगाए, गुस्ल करे, तो उसके जिस्म पर कोई मेल कुचेल रहेगा नहीं रहेगा, साफ सुथरा हो जाएगा जिस्म। फरमाया 5 नमाजें पढ़ने वाला ऐसा ही है, उसके सब गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, सगाइर जितने हैं तमाम माफ़ कर दिए जाते हैं, और कबायर के लिए तो फरमाया कि सच्चे दिल से तौबा करनी होगी। अब आज एक अहम तंबीह अहले ईमान को की जा रही है कि मुसलमान अहले किताब की इस्लाम दुश्मनी के पेश नज़र उनको अपना गहरा दोस्त, जिगरी दोस्त और मुखलिस दोस्त न बनाएं। बिल्कुल फितरी और कानूनी बात है,
इसमें कोई असबियत या कोई तासुब नहीं है। मदीना मुनव्वरा में औस और खजरज ये दोनों खानदान पहले मुशरिक थे और रह रहे थे, और मदीने के इर्दा गिर्द जो कबाइल यहूद थे, वो कबाइल यहूद जो हैं उनके औस और खजरज के साथ दोस्ताना और हलीफाना ताल्लुकात थे। अब औस और खजरज वालों ने ईमान कबूल किया और वो हुजूर के सच्चे शैदाई बन गए, जानिसार बन गए, माल जान सब सरकार के लिए कुर्बान करने लगे और यहूद को दावत दी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मिद्रास एक जगह थी, उनका कम्युनिटी हॉल था, उसके अंदर तशरीफ ले गए थे, ले जाकर उनको दावत दी थी और उनको उनकी किताब का हवाला भी दिया था और उनके अंबियाए साबिकीन का तذکرہ भी किया था। लेकिन उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबियों का सूरज अभी चमका नहीं था, इस बिना पर उन्होंने इस दावत को नज़रअंदाज कर दिया था। तो मुसलमानों के साथ यानी औस और खजरज वालों के साथ यहूद जो थे उनके ताल्लुकात जो पहले थे वो बरकरार रहे, और मुसलमान ये सोच कर के इनके साथ पहले से दोस्ती है उसे निभाते रहे। लेकिन यहूद को ये बात हरगिज़ पसंद न थी कि औस और खजरज वाले जो हैं मुसलमानों का साथ दें। उनको इस्लाम से बूस और अदावत और सख्त दुश्मनी थी और इसका इजहार कभी कभी वो बरमला कर भी देते थे। साजिशें तो रात दिन करते थे वो। उनके दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन की नफरत आम थी। अब मुसलमान तो भोला भाला होता है, झूठा नहीं होता, वादा खिलाफी करने वाला नहीं होता, गद्दारी करने वाला नहीं होता। और ये यहूद और नसारा गद्दारी में और दुश्मनी में और मुसलमानों की जड़ें काटने में किसी किस्म की कोई कमी और कोई दकीका फिरो गुजाश्त नहीं करते थे। जो मौका उनको जिस तरह का मिलता था जबान से हर्जा सराइयां करते थे, साजिशें करते थे। अल्लाह ने इत्मीनान दिलाया कि घबराओ मत, इनकी सिर्फ जहनी ईजा पहुंचाने की जो तदबीरें हैं वो थोड़ी देर के लिए तुमको हिलाएंगी, बाकी अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस्लाम को बराबर गलबा अता फरमाएंगे। यहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, ईमान वालों के सिवा दूसरों को अपना वली, दोस्त, राजदार न बनाओ। साहिबे मुफरदातुल कुरान इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये बात फरमाई है और तर्जमा यही किया है, बिताना का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, ला तत्तखिज़ू बितानतन मिन दूनिकुम। बिताना का लफ्ज खासुल खास राजदान और दोस्त के लिए इस्तेमाल होता है। इसका
इसके लिए बोला जाता है बेतवानतुर रजुल। अरबी जबान में बेताना अस्तर यानी कोट के अंदर लगाए जाने वाला जो नरम कपड़ा है, जो बतन यानी पेट से जिस्म से चिमटा हुआ रहता है, उसको कहते हैं। और इसका इंतहाई माना जो लिया है वो राजदार के लिए है। हदीस शरीफ में आता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मदीना के मुतालिक फरमाया, अल अंसारु शियारुन वन नासु दिसारुन। अंसार शियार हैं, शियार शारुन, शारुन बाल को कहते हैं जो जिस्म के साथ लगे हुए होते हैं। तो अंसार इतने करीब है और दूसरे हजरात भी करीब हैं, लेकिन जरा सा फर्क है। जैसे जाहिर बाहर नजर आने वाला कपड़ा और बिताना जो अंदर अस्तर होता है, वो दोनों के दरमियान जो जरा सा फर्क है वो है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसार से मोहब्बत थी, आपने उनके लिए वसीयत फरमाई और अंसार से कहा कि मेरे दुनिया के जाने के बाद तुम्हारे ऊपर हालात आएंगे, वो हालात में सब्र करना, बेसब्री से काम मत लेना, हक वालों के हक दे देना और तुम्हारे हक छीने जाए तो सब्र से काम ले लेना, तो कयामत के दिन हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। मिन दूनिकुम में अहले किताब और मुशरिक आते हैं। बाद मुफस्सिरीन ने मुनाफिकीन को भी इस जुमरे में शामिल किया है। तो उनके साथ क्या मामला किया जाएगा? इंसानियत, अखलाक, उनके साथ जो अहदो पैमान हुए हैं उनकी जान माल की हिफाजत करने के सिलसिले के, उसमें किसी किस्म की कमी और किसी किस्म की कोई कोताही जो है वो नहीं रखी जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन आजा जिम्मीयन, जिम्मी किसको कहते हैं? जो टैक्स देकर इस्लामी मुल्क में रह रहा हो, तो मुसलमान उसकी जान माल इज्जत आबरू की निगरानी और मुहाफजत करते हैं। ऐसा टैक्स देकर अमन व अमान के साथ रहने वाला, अपनी इबादतों के साथ, अपने धर्म के साथ रहने वाले के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। हुजूर ने फरमाया, मन आजा जिम्मियन फअन खसमहु वमन कुंत खसमहु खसमतहु यौमल क़ियामा। जिस शख्स ने किसी जिम्मी को सताया तो क़यामत के रोज उसकी तरफ से मैं दावेदार बनूंगा। एतदाल देखो इस्लाम का। और जिस मुकदमे में मैं दावेदार हूं तो मैं ही गालिब रहूंगा। एक दूसरी हदीस में फरमाया, मनानी रब्बी अन अज़लिम मुआहिदन वला गैरहु। मुझे मेरे परवरदिगार ने मना फरमाया है कि मैं किसी मुआहिद या किसी दूसरे पर जुल्म करूं। इस्लाम जुल्म को पसंद नहीं करता, इंसाफ कायम करने के लिए आया है। इसलिए गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि तकवा क्या है, तो उन्होंने आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान वईता इज़िल कुर्बा। कि अल्लाह ताला इंसाफ का, एहसान का, दोस्तों के हक अदा करने का हुक्म फरमाते हैं।
करीबी रिश्तेदारों को देने का हुक्म अता फरमाते हैं। तो फरमाते हैं कि मुशरिकीन, अहले किताब और दूसरे हजरात जो ईमान नहीं लाए हैं, उनके साथ किस तरह मामला किया जाएगा, अखलाकी पहलू क्या रहेगा, उनके साथ मुदारात कर सकते हैं, खातिर मुदारात करना, खुशखुल्की से उनके साथ पेश आना और मुवासात यानी मोहब्बत जाहिरी तौर पर रखना और मुआमलात उनके साथ लेन देन जैसा कि हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं अपने भाइयों के साथ, गैर मुस्लिम जो है हमारे कारोबार हैं। अब आजकल इसके अंदर जो है तासुब पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को बिल्कुल काट कर रख दिया जाए, लेकिन अल्लाह बहुत बड़े हैं, वही इंशाअल्लाह मदद फरमाएंगे, नुसरत फरमाएंगे और निज़ाम ज़िंदगी चलेगा। लेकिन मुवालात नहीं कर सकते हैं हम, यानी उन्हें राजदार और राजदान और कल्बी दोस्त नहीं बना सकते हैं, इससे मना फरमाया है कि उनके साथ ताल्लुकात की एक लिमिट रखी जाएगी, वो लिमिट के अंदर रहकर उनके साथ अखलाकी एतबार से पेश आना है, साथ रह रहे हैं तो रहना है, लेकिन कलीदी जो मकामात हैं वो उनके हवाले नहीं किए जाएंगे, वो उनके सुपुर्द नहीं किए जाएंगे, वो हमारे हाथ में वो तमाम कलमदान रहेंगे। इसलिए चाइना और रशिया के अंदर जो हकीकत में कम्युनिस्ट न हो, उसको कोई कलीदी और की प्लेस जिसे कहा जाता है वहाँ ओहदा नहीं दिया जाता। पहले उसको कम्युनिज्म को मानना पड़ेगा, मुल्क की जो रिफाही पॉलिसी है उस पर अमल पैरा होना पड़ेगा, तो फिर उसको जो है ये की प्लेसेस के ऊपर जगह मिलेगी। मुफस्सिरीन ने इस आयत के शाने नुजूल में एक और वाकया बयान किया है। हजरत उबादा इब्न सामित रदी अल्लाह ताला अन्हो जलीलुल कदर सहाबी हैं, अंसार मदीना में से अजीमुल मर्तबत हैं। मिस्र की फतह के दौरान इस्लामी लश्कर के सिपह सालार हजरत अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उबादा को मकूकस से गुफ्तगू करने के लिए नुमाइंदा नामजद किया था। बड़े अजीम इंसान थे, उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर, यहाँ के यहूदियों से मेरे मुखलिसाना ताल्लुकात हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनको अपने साथ जंग में शरीक करूँ। ये जंगे ओहदिया जंगे खंदक का वाकया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इमदाद लेने से बिल्कुल मना फरमा दिया और फरमाया कि इनसे खैर की तवक्को बेकार है, इनसे भलाई की उम्मीद करना रायगान है, ये कभी भी मुसलमानों के खैरख्वाह और मुखलिस दोस्त हो ही नहीं सकते। अंदर से हर्जा सराइयां करना और मौका आए तो तमाम कुफ्र जो है, चाहे वो नसरानियत हो, यहूदियत हो या और कोई हो, सब यकजा हो जाते हैं, मुत्तहिद होकर मुसलमानों को कुचलने और मिटाने की कोशिश करते हैं।
अल्लाह ताला ने फरमाया ला यालूनकुम खबाला, वो तुम्हारे दरमियान फसाद बरपा करने में कोई कमी नहीं करेंगे। खबाल अरबी में फसाद को कहते हैं, गैरों की हमेशा ख्वाहिश होगी कि मोमिनों को किसी तरह जानी माली जिस एतबार से भी हो सके नुकसान पहुंचाएं, हमारी खैरख्वाही उनको हरगिज मंजूर नहीं है और उनसे राजदारी कायम करने की सूरत में मुसलमानों को दीन और दुनिया दोनों का नुकसान होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उनकी कोशिश तो ये है कि तुम जो है यहूद बन जाओ, नसरानी बन जाओ। वद्दू मा अनितुम, तुम्हारी दुश्मनी उनके रगों पे में सरायत कर गई है। वद्दू मा अनितुम, ये फकरा काफिराना ज़हनियत का पूरा तर्जमान है। इसके अंदर गहरी तालीम इस बात की आ गई कि कोई गैर मुस्लिम किसी हाल में मुसलमान का हकीकी दोस्त और खैरख्वाह नहीं हो सकता। इब्न अबी हातिम ने नकल किया है कि फारूक आजम हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो से कहा गया कि यहां एक गैर मुस्लिम लड़का है जो बड़ा अच्छा राइटर और लिखने वाला और कातिब है, तो आप उसको अपना मीर मुंशी बना लीजिए तो बेहतर होगा। इस पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया यानी मैं उसको ऐसा कर दूं तो मुसलमानों को छोड़कर दूसरी मिल्लत वाले के राजदान बनाने के मुरादिफ होगा, जो नस कुरान के खिलाफ है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह पांचवी सदी के मशहूर आलिम और मुमताज दीनी मुफक्किर हैं और बड़े मुफस्सिर हैं। उन्होंने बड़ी हसरत और दर्द के साथ मुसलमानों में इस तालीम की खिलाफ वर्जी पर कलाम किया है और उसके नताएज बद को बयान भी फरमाया है कि आज हमारी ममलकतें बहुत बड़ी तादाद में होने के बावजूद हम यहूद और नसारा के दस्त निगर बने हुए हैं। कोई मुक्तदर और मजबूत मकाम पर हमारा आदमी नजर नहीं आता। उनको अपना मुअतमद और मुशीर बनाने से मना किया था, लेकिन आज इसकी खिलाफ वर्जी की वजह से दुनिया का हाल उलट हो गया है, हमारा हाल बिल्कुल उलट हो गया है। बर्बादी का आलम नजर आ रहा है, हम बेबसी का शिकार हो गए हैं। किताबों में देखने से पता चलता है कि जहां मुसलमानों का इन्हितात और जवाल आया है, उसमें जहां बहुत से अनासिर काम करते हैं, उनमें से एक अंसर यह है कि हमने बुनियादी इस्लाम की तालीम ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम को भुला दिया। सल्तनत उस्मानिया के जवाल की जो वजूहात हैं उनमें इसको भी बहुत बड़ा दखल है। इसलिए आज का जो सबक है
वो बड़ा अहमियत का हामिल सबक है, लेकिन इस बात को बहुत अच्छी तरह जहन में रखा जाए कि हम अखलाकी नुक्ते नज़र से और दीनी नुक्ते नज़र से उनके साथ ज़ाहिरी ताल्लुकात ज़रूर रखेंगे। इससे मना नहीं किया गया है, उनकी खातिर मदारात करेंगे। इंसानी एतबार से जो अखलाक की बुलंदियाँ हैं उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बस ये अंदरून की बात है और राजदारी की बात है जो अल्लाह ताला ने बड़े वजाहत के साथ अपनी किताब के अंदर जिक्र फरमाई है और उसका तस्किरा फरमाया है। और एक जगह पर नहीं, कई जगह पर जो है इसका तस्किरा आया है, इस बिना पर के जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं उनमें जो जो लोग नुमायान रहे हैं दुश्मनियों के अंदर, उन्होंने जब जब मौका मिला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, कुरान करीम की तौहीन की है, और हिंदुस्तान के सूबाजात मुत्तहिदा का गवर्नर सर विलियम म्योर, जो ईसाई था बल्कि बहुत बड़ा पादरी था, उसने कहा था कि इंसानियत की दो चीज़ें दुश्मन है, एक मोहम्मद का कुरान, दूसरी उसकी तलवार। हालांकि ये झूठ है और गलत है, लेकिन हर्जा सराई और जहनी ईजाएं पहुंचाने और तकलीफ देने के अलावा इनसे किसी और चीज़ का तवक्को नहीं की जा सकती है, उम्मीद नहीं की जा सकती है। अभी तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, ये तो कभी कभी उनकी जबान से ये वलाजत और ये गंदी बातें निकल आती हैं, दिल में कुड़ते रहते हैं, कभी उनकी ज़बान पर जो है छोटी सी बात आ जाती है, जो अंदर का पक रहा होता है लावा वो बाहर निकल आता है। अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे लीडरान हैं जो रात दिन जहर अफशानी करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तरह तरह के बयानात देते हैं। ऐसा बयान किसी मुसलमान ने दिया हो तो वो पसे दीवारे जिंदा होगा, उसको अखबारों में उछाला जाएगा, उसको भड़काऊ भाषण का नाम दिया जाएगा। लेकिन उसी वक्त इससे ज्यादा शदीद और खतरनाक किस्म के बयानात जो गैरों की तरफ से आते हैं और नश्तर की तरह हमारे दिलों को जख्मी करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये तो जरा सी बात दिल में आई है, अभी दिल में कितना छुपाया है तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। इसलिए एहतियाती तदबीर अल्लाह ताला ने हमें बताई है। बहुत प्यारा सबक है, मुसलमानों को ख़ास तौर पर अपनी इन तमाम हकायक से वाकिफ़ रहना चाहिए और अच्छी तरह से कुरान करीम की तालीमात पर हमें अमल करना चाहिए। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमदान ईमानन व एहतिसाबा गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी। जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा ईमान के साथ और एहतिसाब यानी सवाब की नीयत के साथ अल्लाह की रज़ा जोई के लिए, हम तो जो भी करेंगे अल्लाह की रज़ा जोई के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, तो अल्लाह ताला उसके पिछले जितने छोटे गुनाह हैं वो तमाम के तमाम को मुआफ़ फरमा देंगे, दरगुजर फरमा देंगे। और रात तरावीह में खड़े होने वाले के लिए भी यही फरमाया
काजी शौकानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्गों में और बड़े उलमा में से हैं। फतहुल कदीर में उनका कौल नकल किया कि रमज के माने जला देने के और प्यास के आते हैं, और रमजान को रमजान इसीलिए कहते हैं कि रोजों की बरकत से, मुजाहदों की बरकत से ये महीना हमारे गुनाहों को झुलसा कर ख़त्म कर देता है, मिटा देता है। इस बिना पर इसका नाम रमज़ान रखा है। अल्लाह ताला हमें इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला आमाल सालिहा करने वालों के लिए फरमाते हैं वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफरू, कोई नेक काम करे, अच्छा अमल इखलास के साथ उसके यहाँ पूरा उतरे तो फरमाया कि हम उसकी कदरदानी करेंगे, हम कदरदान हैं, तुम्हारे आमाल को रद्द नहीं कर देते, देखते हैं उसका वैल्यू, उसकी क्वालिटी, और उसके एतबार से अल्लाह ताला के यहाँ आमाल को कबूल किया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम की फ़हम नसीब फरमाए, इसकी तिलावत का ज़ौक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा ला अहसी सनान अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु वलकल मुल्क कुल्लुहु वलकल शुक्र कुल्लुहु वइलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بالإسلام قائما اللهم احفظنا بالإسلام قائدا اللهم احفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما ابتيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا مجير يا مجير يا مجير اجرنا من النار يا مجير اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے، تراویح، ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہ قرآن کریم کا یہ پڑھنا پڑھانا تلاوت کرنا قبول فرما، رمضان کے بعد بھی اس مبارک عمل کو دوام عطا فرما، جاری ساری فرما۔ اے اللہ یہ جو وبا ہے اور بلا ہے جس کی لپیٹ میں پوری دنیا آئی ہوئی ہے اور چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، اور اللہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اللہ اپنے فضل سے اسے ختم فرما دے۔ تو چاہے تو منٹوں میں یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اے اللہ تیری طاقتوں کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے الہ العالمین، تو بڑا طاقت والا، تو بڑا سطوت والا، تو بڑا قدرت والا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے اس کو دور فرما دے، اور دنیا کے نظام کو دوبارہ درست فرما دے، عافیت کے معاملے فرما دے، خیر کی شکلیں پیدا فرما دے، اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے، ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرما، عبادتیں قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی اتباع نصیب فرما، نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا، اپنی رضا ہمیں عطا فرما،
तू हमसे राजी और खुश हो जा और हमें अपना बंदा बना दे। ए अल्लाह, ये दुआएं अपने फजल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।